बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैम मैं जानबूझ के आप पे नहीं गिरा मैम, सॉरी मैम। तू जानबूझ कर नहीं गिरा, तुझ जैसे लड़कों को ना अच्छे से जानती हूँ, लड़की देखे नहीं कहीं भी टच करना शुरू हो जाते हो और हाथ लगाने लगते हो। नहीं मैम, मैं जानबूझ के आप पे नहीं गिरा, वो तो बस में ब्रेक लगा इस वजह से मैं आप पे गिर गया। तू जानबूझ के ही गिरा था इस पे और तूने इसे जानबूझ के टच करने की कोशिश भी करी। तुम जैसे लड़के ना सब एक जैसे ही होते हैं, लड़की देखी नहीं कि मुंह से लार टपकने लग जाती है। मैम प्लीज मेरी बात समझिए, मैं जानबूझ के नहीं गिरा आप पे। तू अपने घर पे भी ऐसे ही करता है क्या? इसने आज तेरे साथ ऐसा करा है, कल किसी और लड़की के साथ ऐसा करेगा? तूने इसको ऐसे मत जाने दियो, इसकी ना कंप्लेन करियो पुलिस में। मैम प्लीज रहने दीजिए, मैं जानबूझ के नहीं गिरा आप पे, बोल रहा हूँ ना, छोटी सी गलती थी मैम। तू अपनी माँ बहनों के साथ भी ऐसे ही करता है क्या? तू एक काम कर, कंप्लेन कर। अरे मैम रहने दीजिए, बस के आगे कार आ गई थी इसलिए भैया ने अचानक ब्रेक लगा दी। ये भैया आप पर जानबूझ के नहीं गिरे। तू तो चुप ही कर, तुम लड़के ना एक जैसे ही होते हो, तेरी भी कंप्लेंट करूंगी और इसकी भी करूंगी। नहीं मैम कंप्लेंट मत करो, सच में मैं जानबूझ के नहीं गिरा। तू ना जानता नहीं है, मेरे पापा ना पुलिस में है, अभी एक फोन पर आ जाएंगे और तेरी सारी रंगबाजी है ना सब निकल जाएंगी। जब जेल में चक्की पीसेगा ना और सड़ना पड़ेगा वहाँ पे, तब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा, तब तुझे पता चलेगा लड़की कैसे छेड़ते हैं। अरे मैडम जाने दो ना, गलती से गिर गए होंगे, वैसे भी इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। ऐसे कैसे जाने दूं मैं इसे, मेरे साथ बदतमीजी करेगा और मैं इसे जाने दूं? इम्पॉसिबल। तुम लड़के ना एक ही खेत की मूली होते हो, बस लड़की देखी नहीं आके फटी की फटी रह जाती है और हमेशा उसके पीछे लग जाते हो, कभी यहाँ जा वहाँ जा, स्टॉक करते रहोगे उसे, उसके घर तक आ जाते हो, उसका जीना हराम कर देते हो और अगर ना माने तो एसिड अटैक करेंगे, रेप करेंगे, उन्हें थ्रेटन करेंगे। मैम प्लीज मैं हाथ जोड़ो, मैम सब देख रहे हैं, माफ कर दीजिए मैम प्लीज। अगर देर नहीं हो रही होती ना तो अभी तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाती। चल आगे। सॉरी भैया, गलती से ब्रेक लग गई। जब मैं तुम पे गिरा था तब तो ये ब्रेक लगी नहीं थी, तब तो मैं तुम्हें जानबूझ के गिरा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जब देखो ये बोलती रहती हो कि हमेशा लड़के गलत होते हैं, लेकिन आपके लिए नॉलेज के लिए बता दूं, हमेशा लड़के गलत नहीं होते हैं। मानता हूँ कुछ लड़कों की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन सारे लड़के एक जैसे नहीं होते मैम। चाहता तो मैं उस वक्त भी जवाब दे सकता था आपको, लेकिन आपके घमंड ने आपको चुप होने नहीं दिया और मुझे बोलने नहीं दिया। शर्म करो मैम, आपकी वजह से पता नहीं कितने लड़के सुसाइड कर लेते हैं, कितने लड़के घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं। आपको लगता है हम लड़के हैं, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मैम। हमें भी दर्द होता है, हमें भी फील होता है, हम बाहर निकलते हैं, अरे ये किसने किया, ये लड़के ने किया होगा, ये किसने किया, लड़के ने किया होगा, इसकी गलती लड़के की गलती है। आपकी गलती कभी देखी ही नहीं जाती है, बस हर बार हमारी गलती देखी जाती है, हम कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहते मैम। हमारा भी दिल है, हमारे भी परिवार है, हमारी भी माँ बहन है, हमें रिस्पेक्ट करनी आती है कि हम कैसे लड़के की रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप करने ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते। कभी एसिड अटैक होता है, सारे लड़के एक जैसे, रेप हुआ है, सभी लड़के एक जैसे, उनको फांसी दे दो। मैं मानता हूँ मैम बहुत लड़के गलत करते हैं और लड़कियों का जीना हराम कर देते हैं, बट मैम बहुत सारे लड़के अच्छे भी होते हैं, हर बार लड़के गलत नहीं होते मैम। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आप तो घमंडी हैं, आपको ये लगता है कि आपके पापा पुलिस में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैम हमारे बारे में सोचिए, अगर आप किसी पे फेक केस करेंगे तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वो जब जेल से बाहर निकलेगा तो उससे कोई बात नहीं करेगा, सब उसके बारे में बुरा सोचेंगे कि हाँ लड़के की गलती है। ऐसे एक दो केस नहीं हो मैम, बहुत सारे केस है जिसमें लड़के की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन उनको जेल जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लड़की झूठा केस कर देती है उस पर, बस एक छोटी सी गलती के लिए। हाँ मानता हूँ मैं आप पे गलती से गिर गया मैम, जिसके लिए मैंने आपसे माफ़ी मांगी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं, क्योंकि आप घमंड में अंधी हो गई थी, आपको सुननी नहीं हम जैसों की बात, किसी लड़के की बात सुननी नहीं है। और मैम आपने क्या कहा था, मेरे घर में माँ बहन नहीं है, उनकी इज्जत नहीं करता। अगर मैं आज चुप हूँ और आपके साथ कुछ कर नहीं रहा हूँ तो इसके रीज़न मेरी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, मुझे सिखाया कि किसी लड़की से कैसे बिहेव किया जाता है, उसकी कैसे इज्जत की जाती है, वरना अभी आपकी बोलती बंद कर देता। मैं चुप हूँ तो अपने मम्मी पापा की वजह से, उनके संस्कार की वजह से। आइंदा से कभी किसी को जज मत करना, क्योंकि हर लड़का एक जैसा नहीं होता और हर बार लड़के गलत नहीं होते मैम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो का सही मोरल क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनके पास ये मैसेज पहुँच सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ, ताकि हमारी टीम उस पर वीडियो बना सके और लोगों तक पहुंचा सके। अगर आपको लगता है आपकी स्टोरी में दम है और आपकी स्टोरी लोगों को पता चलनी चाहिए, तो जल्दी से भेजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।